जय हिंद दोस्तों, आज मैं कुछ नई जानकारी लेकर आया हूं एम्स के बारे में। एम्स तो आप जानते होंगे, एम्स देश के सबसे बड़ा हॉस्पिटल में एक है, जो सरकारी संस्थान है, जिसे हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं। एम्स कई राज्यों में, खास तौर पर बता दूं तो ज़्यादातर लोग दिल्ली के एम्स में इलाज कराने आते हैं। सारे हॉस्पिटलों से जब डॉक्टर रिटायर कर देते हैं, जवाब दे देते हैं, तो लोग एम्स में आते हैं, आखिरी आसरा लेकर इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन एम्स ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, भारत सरकार के निर्देश पर, भारत सरकार के आदेश पर एम्स ने एक ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति आकर एम्स में इलाज करा सकेगा बहुत ही आसानी से। अब उसे न पर्ची कटाने की ज़रूरत पड़ेगी, न भीड़ भाड़ लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत पड़ेगा। बहुत ही आसान प्रक्रिया बना दिया गया है। क्या किया गया है, सारी जानकारी पर चर्चा करूँगा, जो 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा हमेशा के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये खबर, ये न्यूज, जो भी इस तरह का अपडेट आता है, मैं सबसे पहले आपको देता हूँ, और ये भी अपडेट मैं सबसे पहले आपको देने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयुष्मान भारत कार्ड, आपने सुना होगा, जो बीपीएल धारी था, गरीबी रेखा से जो नीचे के व्यक्ति हैं, मजदूर, लेबर क्लास, छोटे मोटे किसान, सब्जी बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, उन लोगों के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया था। और उस कार्ड में क्या था कि 5 लाख रुपया तक सालाना फ्री इलाज होता है, चाहे ऑपरेशन हो, जांच हो, किसी प्रकार का कुछ भी सर्जरी हो, 5 लाख रुपया तक सरकार फ्री इलाज करती है कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सरकार से संबद्धता प्राप्त है। तो अब मैं आपको बता दूं एम्स में क्या किया गया है कि इसमें गरीबी रेखा और अमीरी इससे कुछ लेना देना नहीं है, सभी लोगों के लिए एम्स के तरफ से घोषणा कर दिया गया है कि एक आयुष्मान भारत नंबर जारी किया जाएगा। ये कोई भी बनवा सकता है, ये जरूरी नहीं कि बीपीएल धारी कोई गरीब ही बनवा सकता है, या फिर एपीएल धारी जो अमीर है वो नहीं बनवा सकता है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास लोग नहीं बनवा सकता है, ये सबके लिए समान रूप से ऐसा किया गया है। अब इसका प्रक्रिया क्या है, फ़ायदा क्या है, वो बताने जा रहा हूँ। पहले आपने कभी एम्स में इलाज कराया होगा, या फिर किसी परिजन को लेकर आपने आया होगा, या फिर कोई रिश्तेदार हो गया, कोई जानने वाला हो गया, आपके गांव समाज के, आपके शहर के लोग के साथ आप आए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब काउंटर पर ओपीडी के लिए पर्ची कटाने जाते थे, काफ़ी लंबी लाइन रहती थी, 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग, 50 लोग हमेशा काउंटर पर लगे रहते थे। आपको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा इंतज़ार करना पड़ता था, तब जाके आपको पर्ची मिलता था। फिर आगे ओपीडी में आप जाते थे, फिर धीरे धीरे आगे प्रक्रिया बढ़ती थी, और बहुत सारा परेशानी आपको झेलना पड़ता था। अब इस सिस्टम को सरकार ख़त्म करने जा रही है 1 जनवरी 2023। एम्स प्रशासन ने कहा है कि 1 जनवरी 2023 से क्या किया जाएगा, अभी हालांकि अभी से ही उस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, बट 1 जनवरी 2023 से क्या किया जाएगा कि वहाँ पर आयुष्मान भारत नंबर जारी किया जा रहा है, अभी से ही किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों का ही अब वहाँ पर ओपीडी में इलाज होगा, या फिर आगे जो भी इलाज होना है उन्हीं का होगा। अब आयुष्मान भारत नंबर क्या है, आप समझ लीजिए, आयुष्मान भारत कार्ड अलग है, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड अलग है, वो तो गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है, लेकिन आप एम्स में कोई इलाज कराने जा रहे हैं, कोई पेशेंट को लेकर जा रहे हैं, कोई मरीज को लेकर जा रहे हैं, जिसे हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं, ये हर जगह है, हर स्टेट में भी है, लेकिन खास तौर पर दिल्ली की बात बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग दिल्ली में ही आते हैं। अब करना क्या पड़ेगा आपको, वहाँ पर अभी से ही एक काउंटर बना दिया गया है, जहाँ पर कोई भी पेशेंट, अगर पेशेंट नए भी है तो नॉर्मल व्यक्ति भी अपनी समस्या बताकर, अगर मरीज है तो अपनी बात बताकर आगे इलाज कराना है, तो वहाँ पर एक आयुष्मान भारत नंबर ले सकते हैं। अब आयुष्मान भारत नंबर कैसे मिलेगा, तो वहाँ पर एक काउंटर बना है, वहाँ पर मोबाइल द्वारा ही अकाउंट बनाकर आपके मोबाइल में ही आयुष्मान भारत एक नंबर कार्ड की तरह ही जारी कर दिया जाता है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि आगे आने वाला समय में 1 जनवरी 2023 के बाद पर्ची जो कटाया जाता है, वो पर्ची काउंटर बंद कर दिया जाएगा। वहाँ से क्या होगा कि आपको पर्ची कटाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लंबा लंबा लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने उस हॉस्पिटल से, किसी के नाम से, चाहे अपने नाम से, चाहे जो पेशेंट है उसके नाम से, आपने आयुष्मान भारत नंबर जारी करा लिया,
तो क्या होगा उसके बाद, जीवन में कभी भी आपको पर्ची नहीं कटाना है उसमें इलाज कराने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है एम्स में, सबको पता है, नहीं पड़ेगा कभी भी पर्ची कटाने का। अब होगा क्या कि वहाँ स्कैनर अभी से ही लगा दिया गया है, क्यूआर कोड लगा दिया गया है। अब क्या होगा कि आप मोबाइल लेकर जाएंगे, अपने आयुष्मान भारत नंबर के द्वारा उसे स्कैन करेंगे और स्कैन करेंगे, आपका नंबर वहाँ पे लगा दिया जाएगा। आप सीधा जाकर वहाँ ओपीडी में दिखा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, जितने भी लोग होंगे नंबर बाय नंबर वहाँ से बैठे बैठे आप स्कैन करेंगे, आपका काम हो जाएगा। मतलब कि अब नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर्ची कटाने की ज़रूरत नहीं है, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार पर्ची बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका मोबाइल में ही सारा सिस्टम रहेगा। तो ये लागू किया गया है। हालांकि क्यूआर कोड जो स्कैनिंग होता है वो अभी से ही लगा दिया गया है, ट्रायल में लोग उसको यूज कर रहे हैं, और काउंटर भी बना दिया गया है जहां से आयुष्मान भारत नंबर कोई भी व्यक्ति जाकर वहां पर ले सकता है, जिसको कभी ज़रूरत पड़ेगा भविष्य में उसका इस्तेमाल एम्स में जाकर कर सकता है। सरकार और एम्स प्रशासन का मकसद है डिजिटल हेल्थ मिशन को बढ़ावा देना। ये जो पर्ची कटाया जाता है, भीड़ भाड़ है, धक्का मुक्की है, एम्स प्रशासन चाहता है, सरकार चाहती है कि लोग अब धक्का मुक्की ना करें, लोगों का समय बर्बाद ना हो, बैठे बैठे आए अपना स्कैन करें और अपना उसका नंबर वहाँ पे लग जाएगा। मतलब बहुत ही आसानी से नंबर लग जाएगा, लेकिन एक बार पंजीयन के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि आपको पंजीयन काउंटर के पास ही एक काउंटर खोला गया है, जहाँ पर जाके एक बार आपको आयुष्मान भारत नंबर लेना पड़ेगा, और सिर्फ लाइफ में एक बार ही लेना पड़ेगा। वो नंबर मिल गया जो आपके आधार से लिंक रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है कि आपके आधार से लिंक रहेगा और लाइफ टाइम रहेगा। मतलब दोबारा ये पंजीयन कराने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, पर्ची कटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आप उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ओपीडी में जाना है, कुछ कराना है, सीधा गए वहाँ पर स्कैन किए, आपका नंबर मिल जाएगा वहाँ पर कि ये 10 नंबर है, 15 नंबर है, 20 नंबर है, अपना नंबर लगा के अपना वहाँ पर इलाज करा सकते हैं, काम करा सकते हैं, लेकिन जिस काम से जो गए हैं वो सब करा सकते हैं वहाँ पे। तो आपको अब पर्ची का झंझट सब मुक्त हो जाएंगे। बार बार जाकर वहाँ पे पर्ची पे मुहर लगवाना, पर्ची बनवाना, बार बार समय खत्म हो जाता, फिर वैलिडिटी कराना, पर्ची चेंज करना, ये सब झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा कर रही सरकार, डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ये प्रक्रिया चल रहा है। आने वाला समय में ये सारे सरकारी अस्पताल में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये ट्रायल के तौर पर किया जाएगा, इसीलिए नई दिल्ली के, दिल्ली में जो एम्स है, जो देश का सबसे बड़ा एम्स है, वहाँ से ये स्टार्ट किया गया है। और ये आने वाला समय में सिर्फ एम्स ही नहीं, हर सरकारी अस्पतालों में इस तरह की प्रक्रिया कर दी जाएगी, ताकि लोगों को अब पर्ची से मुक्ति मिलेगी, रसीद कटाने से मुक्ति मिलेगी, काउंटर पर लाइन लगने से मुक्ति मिलेगी। सिर्फ मोबाइल सभी के पास होता है, स्कैन करेंगे, उसका नंबर लग जाएगा, टाइम उनको मिल जाएगा, उस टाइम पर आएंगे, अपना दिखा के जा सकते हैं, इलाज करा के जा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है और लोगों के लिए, लोगों के हित में है, जनता के हित में है। सरकार समय समय पर ऐसे कुछ बदलाव लाती रहती है, कुछ नए नए स्कीम लाती रहती है, और मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसी प्रकार से नई नई जो भी जानकारी आएगी, जो भी अपडेट आएगा, नई नई कोई स्कीम आती है, नई नई सरकारी योजना आती है, मैं सब आपको अपडेट समय समय पर करता रहता हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल में बेल घंटी है वो भी दबा ले। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप चाहते हैं कि कोई नए मुद्दे पर और वीडियो बनाओ, कोई फ्री हॉस्पिटल के लिए वीडियो बनाओ, कोई चीज़ का आप इलाज कराना चाहते हैं उससे संबंधित फ्री हॉस्पिटल कहाँ पे है सरकार द्वारा या फिर किसी संस्था द्वारा आप जानना चाहते हैं, तो सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस टॉपिक को भी कभी वीडियो बना दूंगा। वैसे समय समय पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, कुछ समय पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इंडिया का टॉप 5 हॉस्पिटल, जहाँ पे लोगों का फ्री इलाज होता है, ना ऑपरेशन का पैसा लगता है, ना जांच का पैसा लगता है, ना दवा का पैसा लगता है, सारा चीज़ फ्री इलाज के लिए मैं बनाया था। आप चाहेंगे, आप सवाल करेंगे तो मैं फिर से समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सवाल आप कर सकते हैं, बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, ये सारे मुद्दे सरकारी योजना से संबंधित हो, कुछ भी आप सवाल करेंगे मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। नया नया जो भी अपडेट रहता है मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।